हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा मिशन पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें कुछ 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एंड टेलर्स आर डैश टू ईच अदर। फ्यूल और टेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के साथ किस तरह का था? कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोऑर्डिनेटेड। तो किस तरह का कंट्रीब्यूशन है इनका? कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, रूल ऑफ थंब, एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? एम्प्लॉय गिवन इनफ टाइम टू शो देयर परफॉर्मेंस, टू गेट सजेशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज, कंपनी अरेंज अ सजेशन बॉक्स, प्रोडक्शन मैनेजर गिव इनफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो एक जगह पावर इकट्ठा होती है, उसको अपने सबॉर्डिनेट को बेटर डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए जो है सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है। तो ये किस स्टेटमेंट से पता चल रहा है? स्टेटमेंट नंबर सी, प्रोडक्शन मैनेजर गिवन इनफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239। डिवीजन ऑफ वर्क फ्यूल प्रिंसिपल इज अप्लाई टू। डिवीजन ऑफ वर्क का यानी कि वर्क कार्य विभाजन का जो सिद्धांत है फ्यूल का, वो कहाँ पर अप्लाई होता है? टेक्निकल वर्क में, मैनेजरियल वर्क में, क्लरिकल वर्क में, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। Who propound the general theory of administration? General theory of administration किसने propound की थी? F.W. Taylor or you can say W. Taylor, Max Weber, Henry Fayol, both A and C. तो किसने propound की थी general theory? Henry Fayol ने। और जो 14 principle of management है, वो भी किसने propound किए थे? Henry Fayol ने। आपको सारे principle पता होने चाहिए और उनके meaning भी पता होने चाहिए। Division of work, बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड स्प्रेड द ग्रुप्स। आपको अगर इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर चाहिए होगा, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल जो कि 14 है, तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसका फिर डिटेल लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दूंगी। नाउ जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या है? हेनरी फ्यूल। अगर ये भी पूछा होता कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं, देन अगेन आंसर इज हेनरी फ्यूल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241। अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड, दिस स्टेटमेंट इज द वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्राधिकरण को कम आका गया, अनुशासन खतरे में है, आदेश में गड़बड़ी और स्थिरता को खतरा है, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, वायलेशन हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड, मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी, ये फ्यूल की स्टेटमेंट है। फ्यूल हैज कंसीडर्ड यूनिटी ऑफ कमांड एज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ही सेज दैट शुड इट यूनिटी ऑफ कमांड बी वायलेटेड, अथॉरिटी इज अंडर डिटरमाइन, यानी कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। F.W. Taylor and Henry Fayol belong to which of the following school of management? तो कौन से school of management से related थे? Classical school।
तो आपको एक डिटेल एनालिसिस करके कौन किससे रिलेटेड है, कौन क्लासिकल, मॉडर्न, न्यू क्लासिकल, ये पूरा नॉलेज भी आपको होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन का आंसर है क्लासिकल। क्वेश्चन नंबर 243, प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू टेक डिसीजन व्हाइल परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ट्रू फॉल्स पार्टली ट्रू काउंसिल। तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग और फंक्शन जो मैनेजर में मैनेजमेंट के होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, बट इन डीलिंग विद अ सिचुएशन ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन टू डिपार्टमेंट अ मैनेजर में इम्फेसाइज द प्राइमेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। विच क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड अबव। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बताते। कभी दो डिपार्टमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको प्राइमरी, उनको प्रायोरिटी देते हुए जो मैनेजर है वो डिसीजन लेता है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी क्वालिटी हाईलाइट की गई है, दिस इज जनरल गाइडलाइंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, एम्प्लॉइज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेमुनरेशन बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर, द इंक्लूड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड प्रिवेलिंग वेज रेट फॉर द ऑक्यूपेशन अंडर कंसिडरेशन। विच क्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड अबव। तो कौन सी क्वालिटी हाईलाइट की जा रही है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, फ्लेक्सिबल, कंटीजेंट, जनरल गाइडलाइंस। तो कौन सी क्वालिटी है, कंटीजेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीकिंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, विच मैनेजमेंट इज रिप्रेजेंट बाय दिस स्टेटमेंट। Knowing exactly what you want men to do, यानी कि बंदों को ये बताना कि आप किस तरह क्या काम एग्जैक्टली चाहते हो और उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे से कराना, कौन सा मैनेजमेंट है, हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेरोल्ड कॉन्स एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर बी, एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which principle just the principle of cooperation, not individualism? इसमें से individualism का principle नहीं है, cooperation का principle है, कौन सा है वो, Management and worker should transform their thinking towards each other. Management और worker एक दूसरे को अपनी thinking transform करें, There should be an equal division of work between management and worker. There is one method to maximize efficiency, all of the above. तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देयर शुड बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन कर रही है, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फैटिक स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेंसी। तो कौन सी कर रही है, फंक्शनल फॉर्मेंसी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 249, पॉजिटिव मोटिवेशन मेक्स पीपल विलिंग टू डू देयर वर्क इन द बेस्ट वे दे कैन एंड इम्प्रूव देयर टेस्ट। अगर एम्प्लॉय को पॉजिटिव मोटिवेशन देते हो तो अपना काम अच्छे से करते हैं और इससे उनकी क्या इम्प्रूव होती है, परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 250, व्हाट आर्टिकुलेट द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एंटरप्राइजेस। किसमें एंटरप्राइजेस के लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, पॉलिसीज, विजन स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। लॉन्ग टर्म गोल कहां पे होते हैं, विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट में 5-10 साल बाद कंपनी अपने आपको कहां विजुलाइज करती है उसके अकॉर्डिंग गोल सेट किए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल कहां होंगे, विजन स्टेटमेंट।
Moving on the next question, question number 251. The internal environment factor that influence management is our labor, place, machine, all of the above. तो इंटरनल इन्वायरमेंट में लेबर भी आएगा, प्लेस भी आएगा और मशीन भी आएगी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 252. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इनमें से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कौन सा टूल है? ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन, कंसल्टिंग. तो कौन सा होगा? कम्युनिकेशन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Which type of function is direction? Direction किस टाइप का फंक्शन है? Managerial, organizational, both A and B, none of the above. Direction is managerial function. Means option number A is the right answer. Frederick Taylor, यानी कि F.W. Taylor, mechanism of scientific management include scientific task setting, planning the task, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, ऑल ऑफ दी अबव. तो क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दी अबव. F.W. Taylor के मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंटिफिक टास्क सेटिंग, प्लानिंग द टास्क और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट तीनों की तीनों कंसिडर की जाती है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 255. द डिफरेंट ए ऑफ द सर्विस सेक्टर आर acceptability, awareness, adaptability. Acceptability, awareness, availability. Adaptability, awareness, availability. Acceptability, adaptability, availability. तो क्या होंगे? Different is option number E. Acceptability, awareness, adaptability. Question number 256. ऑब्जेक्टिव इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव इज आर, यानी कि एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी, कौन से हैं? शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव. तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. शेयर होल्डर यानी कि जो ओनर होते हैं एक्चुअल में कंपनी के, उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज करना, ग्रोथ करना, स्टेबिलिटी करना, ऑल आर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 257. द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डैश फंक्शन. कौन है हार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन हार्ट. मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 258. Costliness of the dash is the overriding factor determining the exact of decentralization. Overriding factor यानी कि costline of the dash is the overriding factor determining the extent of decentralization. Decision, staffing, both A and B, none of the above. तो कौन है? Decision. Option number A is the right answer. Moving on the next question 259. Dash is supposed to be immutable, unchanged and eternal. कौन है immutable, unchanged and eternal? Policy, vision, mission, all of the above. Policy. Moving on the next question. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 260. Which type of strategies do the professional manager help organization in chalking out multidisciplinary कॉर्पोरेट मैनेजीरियल, ऑल ऑफ द अबव. तो किस तरह की करता है स्ट्रेटजी प्रोफेशनल मैनेजर कॉर्पोरेट. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.